और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कैबिनेट मंत्री आजम खान के एक बयान से, जिन्होंने पीएम मोदी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। लखनऊ के हज हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश के 125 करोड़ लोगों से गोली मारने की बात कहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी एक कमजोर शख्स है, जो कि दलितों पर जुल्म करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं और खुद को गोली मारने की अपील कर रहे हैं। इस तरह मोदी जी ने विश्व जगत में अपनी कमजोरी को दर्शाया है। गौरतलब है कि आजम खान हज यात्रियों को रवाना करने के लिए सीएम अखिलेश के साथ यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी समेत अपने सभी विपक्षियों को जमकर आड़े हाथों लिया। और इस खबर पर